खबर और सभी का रुख करेंगे खबर की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राणा धाम में पंजीकरण पर लगी रोक, वक्त में धाम में मौसम सामान्य होने का लिया गया फैसला। 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के बाद से अब तक के 5.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एमपी में 12 जिलों में ओले गिरने का अनुमान, ग्वालियर चंबल में अलर्ट जारी, 24 घंटे में गुना, रीवा छिंदवाड़ा में 1 इंच से ज्यादा हो जाएगी। सीएम योगी अखिलेश मैसे चुनाव में डाला वोट, सपा सुप्रीमो का तंज, बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराया जाती, युवाओं को नौकरी नहीं दे रही। लखनऊ में 20 सड़क चलती बुलेट पर रोमांस का वीडियो हुआ वायरल, फिल्मी स्टाइल में दोनों आमने सामने बैठे, लड़का एक हाथ में चला रहा था बाइक। नए संसद भवन के सपोर्ट में उतरे शाहरुख का विरोध, एनसीपी नेता ने कहा कि अब उनकी फिल्मों पर बैन की मांग नहीं होगी। रुक करेंगे खबर की ओर, खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तीर्थ नगरी ब्रिजघाट में गंगा दशहरे का आयोजन को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जो कि हर वर्ष लगता है, जिसके लिए मेरठ अफसरशाही से लेकर हापुड़ अफसरशाही तक के अपमान कर अपनी कमर कस ली है। वहीं पूरी निगरानी में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की निगरानी में यह मेला लगता है। वाहन पार्किंग से लेकर कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन अलर्ट रहता है लगातार। मेरठ अफसरशाही से लेकर हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा, हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा, गंगा दशहरा 2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट किए गए। वही लगातार गंगा घाटों और मेला क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ गढ़ में गंगा दशहरा मेला 28 से लेकर 31 तारीख के बीच में होता है। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु दूसरे जनपद दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं गंगा जी। उसको लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। हमने सभी पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया है, हमने घाटों का निरीक्षण किया है, बाहर से आने वाली जो फोर्स है वो कैसे हम लोग यूज करेंगे उसका निरीक्षण किया है। लाइफ जैकेट हमारे जो बोट्स हैं उनका उनके बारे में हमने निर्देश दिए और साथ ही साथ ये देखा है कि कोई भी ऐसा घाट ना हो जहाँ पे किसी के डूबने का आसार हो, जनहानि हो सके, उसको लेकर के हमने हर जगह बैरिकेडिंग और सभी जो ऐसे इम्पोर्टेंट डिस्प्ले बोर्ड होते हैं जिसमें लिखा है कि लोग आगे ना जाए, आगे गहरा है, उस तरीके की सभी तैयारियों की गई। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? देखिए, लगभग 1000 के आसपास का पुलिस बल इसमें तैनात है। इसमें POC भी है, स्टेट को लेकर के जो बाढ़ राहत कंपनी होती है वो भी तैनात, तो अरण जनपदों से भी बहुत। सर, जाम को लेकर जो रूट डाइवर्जन किया, सर कब से कब तक का दिया गया? ये देखिए, रूट डाइवर्जन आवश्यकता अनुसार लागू किया जाएगा। हमने 28 लेकर 31 तारीख तक के जो भारी वाहन आ रहे हैं जनपद की तरफ उनको अलग अलग पॉइंट पर डाइवर्ट किया, लेकिन यदि आवश्यकता महसूस होगी तो हम छोटे वाहनों को भी डाइवर्ट करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ खबर हाट पिपलिया से है, जहां के मेला मैदान में आयोजित रात्रिकालीन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि नगर परिषद अध्यक्ष और पूर्व मंडी अध्यक्ष द्वारा टॉस खेलकर शुभारंभ किया गया। वहीं विधायक मनोज चौधरी द्वारा विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 51,000 रूपए और द्वितीय पुरस्कार 25,000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं आयोजित टूर्नामेंट में भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों सहित करीब 32 टीमें हिस्सा लेंगी। खबर जालौन से, जहां सुबह सुबह दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गए। बता दें कि दोनों वाहनों पर सवार एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को एम्बुलेंस सेवा और राहगीरों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया और महिला सहित 3 लोगों को गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर किया गया। आप सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, आपने वहां क्या देखा और क्या किया? सर, मैंने वहां देखा कि 4 लोग वहां डले हुए थे, वो खून निकल रहा था सर में उनके, तो मैंने वहां जाके देखा, लोगों से कहा भाई इनको तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाए, 100 नंबर बुलाई जाए, ये जान से चले जाएंगे। तब मैंने फ़ोन किया, 100 नंबर फ़ोन किया, फिर उसको वहां जो है 100 नंबर के बाद उनको फ़ोन किया एम्बुलेंस जी को, ये लोग आए, उठा के जल्दी में तपाया,
अस्पताल पहुंचा। कुल कितने लोग थे लगभग घायल? वहाँ लगभग करीब 100 लोग खड़े हुए थे वहाँ। नहीं, घायल कितने लोग? घायल थे 4 लोग। 4 लोग, 3 वो दो लड़के ये है, 2 उधर गए मेडिकल कॉलेज, 5 हो। जी, आप सबसे पहले मौके पे पहुंचे। खबर कानपुर से, जहां सुनहला चौक क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दिए। बता दें कि दबंगों ने युवक को लोहे की सरिया से पीटा। वहीं सुनहला चौक के इंचार्ज लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और कहा कि अभी तक युवक का मेडिकल नहीं हुआ है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के बाद खेड़ा गाँव का मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां बैंकों को चूना लगाने वाले गैंग का नजीराबाद पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि फर्जी कागजातों से लोन कराकर मोटी रकम हड़पते हैं। वहीं ADCP सेंट्रल आरती सिंह ने प्रेसवार्ता में जानकारी दी है कि शातिर मोहित रोहिरा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खबर कानपुर से, जहां मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ सैफ हत्याकांड CCTV के सामने आया है। आपको बता दें कि हत्या की लाइव वारदात CCTV में कैद हो गई। वहीं कानपुर नगर में हिज्र सीटर सैफ के मर्डर का CCTV वीडियो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक IPL के सट्टे को लेकर नई सड़क के पीछे मर्डर हुआ था। थाना मूलगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। खबर कानपुर से, जहां देर रात खुलने वाली मैगी पॉइंट दुकानें अय्याशी का अड्डा बनी। बता दें कि DCP दक्षिण जोन में गुंडे बेलगाम हुए। वहीं वर्चस्व कायम करने को लेकर गुंडों ने युवकों को पीटा। वहीं DCP कार्यालय के चंद कदम की दूरी पर गुंडों ने तांडव मचाया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। 5-6 लड़के हैं, जिसमें से तुषार और ऋतिक बाटू और ये कपड़े वाला एक लड़का है, वो उसने भी मारा था साथ में। हीटर से ही देखिए, यहाँ मारा, मेरा पूरा सर फाड़ दिया, यहाँ मार दिया, बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पैसे भी छीन लिए 250 रुपये। 5-6 लड़के हैं, जिसमें से वाराणसी से, जहां प्रदेश में जल्दी होने वाले निकाय चुनाव को लेकर VIP पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वाराणसी के दंदपुर सेलिब्रिटी लॉन पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज समय आ गया है जब मांगने से कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जब समय आ चुका है तो जब निषाद एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी निषाद समाज का कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पहुंची। घायलों को समय से हॉस्पिटल में भेजा गया। पुलिस ने घटना के विषय में जानकारी की तो पीड़ितों ने बताया कि बाइक सवार 2 लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने बताया कि बाइक सवार 2 फायरिंग कर घटनास्थल से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया, जल्द गिरफ्तारी कर पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया जाएगा। थाना लोनी बॉर्डर चौकी के अंतर्गत कल शाम को 2 लोगों को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति रवि के बाएं पैर में और एक शक्ति और दिल्ली की रहने वाली महिला अनिता के बाएं बाजू में गोली लगी हुई थी। दोनों को तत्काल चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, दोनों खतरे से बाहर। और गोली चलने के कारणों के विषय में पता किया गया तो दोनों पीड़ितों ने बताया कि 2 लोग मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने की गोली चलाया। इसके बाद पुलिस ने गहन छानबीन की, पता चला कि कुछ विवाद के कारण एक गौरव नाम के लड़के की हर्षित खैरवार नाम के लड़के से विवाद चल रहा था और उसी विवाद में 2 लोगों के द्वारा यह घटना कारित कराई गई। पुलिस टीम ने दोनों के नाम पर तस्दीक कर लिए हैं और इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार का कोई भी दुस्साहस न कर सके। थाना लोनी बॉर्डर के
खबर फरुखाबाद से, जहां रामताल में नहाने गए 11 वर्षीय मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं पानी में तैर रहे मासूम बच्चे को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बता दें कि ग्रामीणों ने जब तक बच्चे को बाहर निकाला तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। खबरुखाबाद से, जहां पुरानी रंजिश के चलते किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार में घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ। उसी दौरान परिवार के एक ही पूर्व शिक्षक पर गोली मारकर हत्या करने का मृतक के भाई ने आरोप लगाया। देर रात्रि आनन फारा ने परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे, जहां पे ईएमओ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कीर्ति कनौजिया ने अधवेल मनोज कुमार को मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित राम प्रताप और उसके पुत्र शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। आप जिनके गोली लगी उनके कौन है आप? हम उनके लड़के। अच्छा, क्या मामला था? उनके लड़के रोज गाली देते थे। किसके? राम प्रताप के लड़के सत्यन शिवम। हाँ। रोज गाली देते थे हर रोज। क्यों? ऐसे ही दारू पी के, किसी से कोई बहस नहीं कुछ नहीं, ऑटोमेटिक जो है शाम को दारू पीते थे, सबको गाली देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे। तो इसको देख के अभी परसों झगड़ा हुआ, तो पापा आए थे इनसे शिकायत करने के लिए कि तुम्हारे लड़के गाली गलौज कर रहा है। तो इन्होंने तीनों ने मिलके जो है पकड़ के यहाँ गोली मारी है। कल कोई बात हुई थी? कल क्या? कोई बात नहीं हुई थी, फोन से बात हुई है, फोन से बात हुई है, वार्तालाप हुई है। तो उसका बारे में हमको नहीं पता कि यहाँ क्या बातें हुई है। वो आए हैं सीधे और आने के बाद इन तीनों ने मिलके यहाँ पे गोली मार दी। कितने बजे की घटना आई है? ऐसा होगा 11:30 बजे के आसपास। अच्छा, जो गोली जिससे चली थी वो क्या, कौन सा औजार था? वो राइफल बंदूक थी, बंदूक जो है सब लोगों ने जैसे गोली चलाई है तो आसपास के लोग हम सब लोगों ने मिलके बंदूक छीन ली है। छीनने के बाद फिर इनको पकड़ लिया सब लोगों ने, यहाँ बैठाल दिया था। बैठालने के बाद पुलिस आई है तो बंदूक और ये राम प्रताप मिल गए थे, बाकी दोनों भाग गए थे। तो बंदूक के साथ राम प्रताप थाने में थे, फिर बाद में शिवम को भी जो है पकड़ा था और सत्यम फरार है अभी। अच्छा, जो गोली लगने के बाद कहाँ, यहाँ से अस्पताल लेके गए थे? यहाँ से अस्पताल लेके गए एम्बुलेंस में, रास्ते में ही एक्सपायर हो गए वो। खैर मथुरा से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गांव गिरो में एमएलसी की निधि से बनने वाली 200 मीटर सड़क का रविवार को भाजपा जिला कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल गोयल ने नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया है। इस अवसर पर गांव के प्रधान ने कन्हैया लाल गोयल का माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं विद्वान पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन कर दिया गया। सड़क का काम मंगलवार से शुरू हो जाएगा, जिसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए होगी। बता दें कि कार्यक्रम में दर्जनों गांववासी उपस्थित रहे। आज हमारे एमएलसी महोदय श्री ठाकुर ओम प्रकाश जी की निधि से मैं कन्हैयालाल गोयल जिला कोषाध्यक्ष के विशेष आग्रह पर उनके द्वारा ये गांव गडो में हमारे श्री विजयपाल पहलवान जी के घर से लेकर अखरा दादा तक की सीसी रोड का निर्माण, नालियों का निर्माण लगभग 20 लाख रुपए की लागत से आज इसका भूमि पूजन हुआ है। ये काम शुरू होगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। मैं अपने एमएलसी साहब ठाकुर श्री ओम प्रकाश जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी निधि से मुझ कन्हैयालाल गोयल के अथक प्रयास से इस गांव गढ़ो की सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रुपए लगभग दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भी वो उद्घाटन में इस सड़क का उद्घाटन भी करेंगे और जो शेष रह गई है सड़क उसका निर्माण भी अपनी निधि से पूरा कराएंगे। मैं पुनः पूरी गांव की बस्ती को, गांव वासियों को जिनके आशीर्वाद से, जिनके बस्ती की कृपा से ये शक्ति परमात्मा ने समाज सहयोग की मुझे दी है, मैं पुनः अपने सभी ग्रामवासियों को। कितने मीटर की होगी ये सड़क? ये लगभग 200 मीटर के करीब ये सड़क बनेगी और इसके अलावा करीब